गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आरती तिवारी। आज हम आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा हिंदी, टॉपिक हमारा शब्द विचार। शब्द विचार होता क्या? मीन्स शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल के समूह को शब्द कहते हैं। ओके, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पहले तो हम शब्द की परिभाषा देखेंगे। देखिए, परिभाषा हमारी है, देखिए परिभाषा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके, देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम आपको ये बता रहे, सार्थक भी जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है वो सार्थक, और वर्णों के सार्थक में मीन्स अक्षरों को जोड़ के जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक, मीन्स वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं, और उन शब्द के जो भेद होते हैं उनके भी कितने भेद होते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। देखिए, हम देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद, ठीक। देखिए, शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? चार। ठीक है, देखिए, शब्द के चार भेद होते हैं। ओके, अब कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक, पहला देखिए, पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। ओके, फिर देखिए दूसरा है आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ओके, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, फिर आपका कौन सा था? प्रयोग के आधार पर। फिर आपको हो गया प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ओके, देखिए, पर आप शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद को याद समझे तो शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड आपका रचना के आधार पर, थर्ड आपका प्रयोग के आधार पर, फोर्थ आपका है अर्थ के आधार पर। अब इन चार भेदों के भी भेद होते हैं, इन चार भेदों के भी भेद होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द हमारे चार प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, इसके भी हमारे कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा तत्सम, सेकंड हो गया हमारा तद्भव, सेकंड हमारा हो गया तद्भव, थर्ड हो गया हमारा देशज, थर्ड हो गया देशज, और फोर्थ नंबर हो गया हमारा विदेशी। फोर्थ नंबर क्या हो गया हमारा? विदेशी। ओके, और रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमारे शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट होता है रूढ़ शब्द, सेकंड होता है यौगिक शब्द, और थर्ड होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक,
सेकंड हमारा है यौगिक और थर्ड हमारा है योग मीन्स यौगिक और गुण मीन्स दोनों को मिला के हमारे पास शब्द बना योग गुण शब्द योग गुण शब्द। ओके तो आपको हमने बताया कि जो हमारे शब्द होते हैं वो चार भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर रचना के आधार पर प्रयोग के आधार पर अर्थ के आधार पर इन भेदों के भी भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं चार कौन से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तीन रूढ़ शब्द यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। ओके आप देखते हैं प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने होते हैं तो जो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द दो होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में जिससे कोई विकार परिवर्तन अविकारी जिससे कोई भी उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इसके भी दो होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द में जिसका कोई अर्थ होता है जिसके अर्थ में जिस शब्द में कोई अर्थ जुड़कर अर्थ नहीं बदल देता वो हमारे विकारी शब्द हो गए और अविकारी शब्द हो गए जिसमें अर्थ जुड़ता पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए सेकंड नंबर हमारा है अविकारी शब्द। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसकी डिफिनेशन समझाएंगे। ओके थैंक यू।